Hello everyone and welcome back to Skillbuzz. This is Navya and I'm back with another very interesting topic today. Guys, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 5 बेस्ट पॉडकास्ट फॉर स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ आई नो कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पॉडकास्ट वगैरह सुनना पसंद नहीं करते हैं, एंड आई वॉज़ वन ऑफ देम टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट ट्रस्ट मी, जब से मैंने पॉडकास्ट सुनने शुरू करे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है मेरी लाइफ में. एंड आई विल गिव यू द रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ था. पॉडकास्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दीज आर ऑडियोज. हम जैसे वीडियोज़ वगैरह देखते हैं बहुत सारे लोगों की, मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह, ये इसमें जो वीडियोज़ नहीं होती, इट्स दे आर जस्ट ऑडियोज़. एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मैंने जो पॉडकास्ट्स में काफ़ी सारे जो फॉलो करती हूँ, वो बहुत छोटे होते हैं, 15-20 मिनट्स को होते हैं. तो आप वो अपना काम करते करते भी सुन सकते हो. मे बी अपना कुछ भी, आप अपना काम करो रैंडम, मे बी कबर्ड सेट करो या कुछ भी करो, आप साथ में वो सुन सकते हो 15-20 मिनट्स का पॉडकास्ट, एंड इट ऐड वैल्यू टू यू. सो दैट इज़ वाई आई लाइक द पॉडकास्ट. एंड मैं ऐसे 5 पॉडकास्ट की लिस्ट लाई हूँ आज आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. हम ऐसे ही टॉपिक्स पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज रेगुलर बेसिस पर डालते रहते हैं. सो डू फॉलो आर चैनल एंड आपको बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोज मिलेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, जो सबसे फर्स्ट है, दैट इज ETL, विच स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर थॉट लीडर्स. अब ये जैसा नेम सजेस्ट करा, बिल्कुल वैसा ही कुछ पॉडकास्ट है. इसमें क्या होता है, ये वीकली सेमिनार्स वगैरह कराते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे. एंड इसमें ये होता है बेसिकली कि बहुत ज़्यादा जो अच्छे लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने पॉडकास्ट्स यहाँ आके शेयर करते हैं. और ऐसा नहीं है कि इवन इफ़ यू आर नॉट एस्पायरिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, इवन देन यू शुड मस्ट लिसन इट. मेरे हिसाब से एवरी वर्किंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट शुड लिसन टू इट, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीडर्स जो हैं, वो अपनी स्टोरीज बताते हैं, अपनी बिल्कुल पर्सनल स्टोरीज, की उन्होंने कैसे स्क्रैच से स्टार्ट किया था एंड हाउ डिड दे गेट सक्सेसफुल. तो बहुत ज़्यादा आपको लर्न करने को मिलेगा अबाउट लाइफ फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेशंस. नाउ द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज़ द मिशेल ओबामा पॉडकास्ट. सो ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है एंड आई माई सेल्फ हैव फॉलोड दिस पॉडकास्ट. इसमें मिशेल ओबामा, जिसे सब लोग जानते हैं, US के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर बराक ओबामा की वाइफ हैं, एंड शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन. इनकी बहुत सारी और फाउंडेशंस वगैरह भी हैं, NGOs एंड ऑल. तो ये जो अपने पॉडकास्ट में बताती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अच्छे वे में पुटअप किया हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स शी हैज़ फेस्ड एंड इनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज शी वॉज़ अ ब्लैक ऑल्सो. तो क्या इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी एंड कैसे कैसे शी ओवरकेम देम एंड आज किस लेवल पे ये लोग पहुँचे हैं, वो सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है. इनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ के बारे में शी हैज़ टोल्ड. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पॉडकास्ट टू फॉलो. द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ टेड. अब टेड के बारे में आई बिलीव ऑलमोस्ट हर किसी ने ही सुना होगा. टेड रेडियो आर इनके पॉडकास्ट का नाम है एंड इट इज़ obviously inspired from the TED Talks. TED Talks अगर आपने कभी भी देखा होगा, वो लोग randomly बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं बट शायद जानते नहीं हैं, उस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं फ्रॉम एवरी टॉपिक, मोटिवेशन से लेके, नॉलेज से लेके, हर चीज़ पर TED Talks का टॉपिक होता है. उसी से इंस्पायर होकर TED Radio R के जो पॉडकास्ट होते हैं, वो होते हैं हर वीक. जो TED Talks में टॉपिक उठाया जाता है, उसी बारे में TED पॉडकास्ट पर बात करी जाती है. सो दिस इज़ अबाउट TED Radio R. The next recommendation is Tiny Leaps Big Changes. This podcast, trust me, is one of my personal favorites. इसमें basically आपको इनका जो emphasis है, it is on generally encompassing the wellness, या आप work life के बारे में आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, wisdom के बारे में आपको बहुत कुछ सिखा सकता है. एंड इनकी जो सबसे अच्छी बात है, वो मुझे ये लगती है कि इनके जो podcast है, वो 15-15 minutes के होते हैं, not more than that. एंड इनका एक, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, तो इनकी एक सीरीज़ है, उसमें सिर्फ 5 एपिसोड्स हैं, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन. एंड ये आई बिलीव हम में से हर कोई कर रहा होता है. तो आप जब इसको पॉडकास्ट करके सुनेंगे, इन्होंने इसमें कवर किया हुआ है कि भाई हम एक्चुअली करते क्यों हैं, एंड इज़ देयर लैक ऑफ डिज़ायर और लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन आर सेल्स, कि क्या रीजन हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. एंड As the name is suggesting, tiny leaps, big changes, it does that. आपको छोटी छोटी ऐसी बातें बताएगा जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे. सो डेफिनेटली दिस इज अनदर रिकमेंडेशन. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट रिकमेंडेशन, स्टफ़ यू शुड नो पॉडकास्ट. ये पॉडकास्ट आप
आई बिलीव नाम से ही समझ पा रहे होंगे, स्टफ़ यू शुड नो पॉडकास्ट में ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट वी शुड नो बट वी डोंट नो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे जिनको हम देखते हैं बट कभी हम सोचते नहीं हैं कि चलो गूगल करके देखें या सोच के देखें कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ज़्यादा जनरल जनरल चीज़ों पर भी ये बताते हैं कि लेट्स से मे बी क्रेडिट कार्ड्स कैसे काम करते हैं, या एक कोई अगर मान लो ब्लू व्हेल है तो हाउ इज़ दैट ब्लू व्हेल ब्रीदिंग। बहुत सारी ऐसी जनरल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में ये नॉर्मली डिस्कस करते हैं उनके पॉडकास्ट में, वो वही उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं जो हम बहुत बार निगलेक्ट कर देते हैं। सो दिस पॉडकास्ट इज़ बेसिकली अबाउट दैट, एंड इस पॉडकास्ट से आपकी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होएगी क्योंकि ये रैंडमली कोई भी ऐसा टॉपिक लेते हैं एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। कोई पर्टिकुलर जॉनर नहीं है बट जनरली हर चीज़ के बारे में बात करी जाती है, तो डेफिनेटली योर जनरल नॉलेज विल इंक्रीज। सो गाइस दैट इज़ अबाउट इट। आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू प्रेस द लाइक बटन एंड ड्रॉप अ कॉमेंट। थैंक यू।